नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा में भी स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पोस्ट ऑफिस चौक पर चेंजिंग इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहर के लोगों ने लता मंगेशकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायिका डॉक्टर वीना मुंद्रा भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमसे हमारी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर छिन गई है। जो लोग सुरों से ताल्लुक रखते हैं वह लता मंगेशकर से दूर नहीं है। 8 पीढ़ियों तक उनके गीतों ने हमें सुख में, दुख में, खुशी में, देशभक्ति में, हर तरह के भावनाओं में हमें संबल दिया है। उन्हें भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह का संघर्षपूर्ण जीवन जिया, हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। कल हमारा बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमसे हमारी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर छिन गई। उनके बारे में ये कहें कि जो सुरों से ताल्लुक़ रखते हैं लता मंगेशकर से दूर नहीं है। उनके गीतों ने बचपन से लेकर आज तक 8 पीढ़ियों तक दुख में, सुख में, खुशी में, देशभक्ति में, विरह में, हर तरह के इमोशन में उनके गीतों ने हमको संबल दिया है, उनके गीतों ने हमें संवारा है। तो ये गीत सुन सुनकर न केवल हम, इनफैक्ट मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और आज कहीं भी देखेंगे कोई कंपटीशन होता है तो लता जी का गीत गाए बिना आप क्वालिफाई नहीं करते। तो ऐसी स्वर साम्राज्ञी जिन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, शी वॉज अ जेम ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया ऑफ द होल वर्ल्ड। आज इतने देश विदेश से इतने लोग उनके लिए कंडोलेंस व्यक्त कर रहे हैं, तो ये ऐसे अचीव नहीं हुआ है। ट्रैकमैन के वरीयता प्रमोशन और चाईबासा रेलवे कॉलोनी की समस्याओं को लेकर मेंस कांग्रेस के मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने वरीय मंडल अभियंता मनीष गुप्ता और सहायक मंडल अभियंता आर के सिंह से मुलाकात की। मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने ट्रैक मेंटेनर के वरीय और प्रमोशन में हुई अनियमितताओं में वरीय मंडल अभियंता से अविलंब संशोधन करने की मांग की। उन्होंने चाईबासा रेलवे सेटलमेंट में सभी आवासों पर वाटर टैंक की स्थापना करने और रेल कर्मियों के घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने DPS कर्मचारी में निधि फंड के सौजन्य से बनने वाले कर्मचारियों का रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य शुरू करने का मामला भी उठाया। मेंस कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर वरीय मंडल अभियंता ने कहा कि मेंस कांग्रेस के द्वारा जो भी समस्या रखा गया उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेंस कांग्रेस की सभी समस्याओं को अविलंब दूर किया जाएगा। इस दौरान DPS के शाखा सचिव सुभाष मजुमदार, ओम नारायण दुबे, अनिरुद्ध प्रधान, अनिल कुमार, सोमनाथ मुखी, सुजीत कुमार मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं के निराकरण के लिए और वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कार्यकारी एजेंसियों, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को बनाने से पहले भूमि का अधिग्रहण और वन विभाग से अनापत्ति जरूरी होती है। नक्सलवाद के कारण सुरक्षा भी एक जटिल समस्या है। इन्हीं सारे बिंदुओं पर उपायुक्त ने बारी बारी से पथ निर्माण विभाग, REO और NHAI के पदाधिकारियों से जानकारी ली। संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जिन सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान जिले में अफीम की खेती और उत्पादन से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया। एसपी साहब के साथ और साथ ही सभी DFOs हमारे यहाँ पर कमांडिंग CRPF और सभी रोड इंजीनियर्स RCT आ रही
और इसके अलावा हमारे योजना पदाधिकारी, इन सभी के साथ हम लोगों ने बैठक की। इसमें हमारे सुदूरवर्ती इलाकों में जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें कोई भी अप्रूवल रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो उनको हमने समन्वय स्थापित करते हुए उसको जल्द से जल्द कार्य कंप्लीट करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ अगर कहीं भी ये विभाग से डायरेक्शन आया है कि अगर ओपीएम कल्टीवेशन से संबंधित प्रोडक्शन देखी जा रही है तो उसे जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उसे खत्म करना है, इस संबंध में भी हम लोगों ने निर्देश दिया। चाईबासा जगन्नाथपुर मार्ग में टोंटो थाना क्षेत्र के सागरकट्टा गांव के पास बस और बुलेरो में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि बुलेरो में सवार दो लोगों को हल्की चोटें आईं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यात्री बस बोलानी से चाईबासा आ रही थी और बुलेरो मझगांव थाना के खिड़िया टांगर गांव से जगन्नाथपुर के भनगांव जा रही थी। आज करीब 10 बजे सागरकट्टा गांव के पास दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई। बुलेरो में सवार एक बच्चा और एक अन्य व्यक्ति को चोट लगी। बुलेरो गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों का उपचार कराया गया। जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की समीक्षात्मक बैठक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2021-22 की समीक्षा की गई। समाहरण नाले सभागार में हुई बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, केवीआईसी रांची के सहनिदेशक, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक के अलावे विभिन्न बैंकों के बैंक प्रबंधक शामिल थे। कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिले को आवंटित लक्ष्य के 88 के विरुद्ध 300 से अधिक आवेदन विभिन्न बैंकों को अग्रसारित किया गया था, जिनमें अब तक 86 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 28 आवेदनों का ही अब तक भुगतान किया गया है। इसके अलावे विभिन्न बैंक शाखाओं में अभी 117 आवेदन लंबित हैं। उपायुक्त ने बैंकों को संवेदनशील होकर लंबित सभी आवेदनों पर स्वीकृति करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी व्यक्ति अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उनको लोन दिया जा सके और सब्सिडी के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में स्वयं सहायता समूह को भी जोड़ा जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। महाप्रबंधक ने कहा कि जिले में स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध 25% आवेदनों का ही भुगतान किया गया है, जो खेद का विषय है। इससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आ रही है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ की मेजबानी में आज फिर से शुरू हुए अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर डिवीजन के पहले मैच में पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने सिमडेगा को 30 रनों से पराजित कर फाइनल में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। कल सुपर डिवीजन के दूसरे मुकाबले में पश्चिमी सिंहभूम की टीम यदि लोहरदग्गा को पराजित कर देती है तो इसका फाइनल में खेलना निश्चित हो जाएगा। आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने 130 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी सिमडेगा जिला की टीम महज 100 रन ही बना सकी और हार का सामना करना पड़ा। जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर सोनवा में हजारों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने तक जन आंदोलन जारी रहेगा। सोनवा से कुईड़ा और बिनका से आसनसलिया तक जर्जर सड़क की मांग को लेकर आज सोनवा और गोलकेरा प्रखंड के दर्जनों गांव के हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सोनवा प्रखंड कार्यालय के पास स्थित स्टेडियम में धरना प्रदर्शन किया। हजारों ग्रामीणों ने पहले सोनवा में मुख्य सड़क पर रैली निकालकर सड़क निर्माण की मांग में प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों के रैली को लेकर मुख्य सड़क भी करीब 2-3 घंटे तक जाम रहा। इसके बाद ग्रामीण आंदोलनकारियों ने सोनवा स्टेडियम में सभा करते हुए धरना प्रदर्शन किया।
मौके पर ग्रामीण आंदोलनकारियों ने कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। प्रशासन ये ये पहली आंदोलन है, जैसे शुरुआत मात्र है, जैसे होता है ना, ये तो ट्रेलर है, मूवी में ट्रेलर होता है ना, मूवी कंगन देखते हैं, ये कंगन मूवी देखते हैं, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।